Hello students, I am Priya. Welcome to my YouTube channel. Today we will start class 7 Geography Chapter 1 Environment. इसमें एक स्टोरी बताई हुई है हमें स्टार्टिंग में कि एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है रवि. तो अपने स्कूल जाता है, तो जब स्कूल जाता है तो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो प्लेग्राउंड था, उसके स्कूल के पास में एक प्लेग्राउंड था, वो वहाँ पर नहीं रहा. अब प्लेग्राउंड की जगह क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं. तो उसे बहुत ज़्यादा वो बेचारा सैड हो जाता है कि अरे फिर अब हम खेलेंगे कहाँ पे, कितना अच्छा लगता था, कितनी अच्छी ग्रासेस थी यहाँ पे और कितने अच्छे अच्छे बटरफ्लाइज थी, अब ये सब कुछ देखने को हमें नहीं मिलेंगी. वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है. तो फिर वो अपनी ना टीचर से पूछता है कि मैम ऐसा क्यों हुआ. तो मैम बोलती है हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, सैड फील हो रहा है मुझे भी ये सब चीज़ देख के कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है. तो बोलता है मैम ये एनवायरनमेंट क्या होता है, आप जो अभी आपने वर्ड यूज़ किया है एनवायरनमेंट, तो ये क्या है, आप मुझे समझाइए प्लीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो फिर मैम ने बोला देखो जो आपके सराउंडिंग में है वो सारी चीज़ क्या होती है, हमारी एनवायरनमेंट होती है. तो वो एकदम से बोलता है कि अच्छा मैम इसका मतलब स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर क्लासरूम ये सारा ही एनवायरनमेंट है. तो मैम ने बोला यस, लेकिन कुछ चीज़ें नेचर की होती है वो भी हमारी एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड होती है, जैसे कि माउंटेन रिवर ट्रीज एनिमल्स, ये सारा भी क्या है हमारा एनवायरनमेंट ही है. और अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो हम हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. अभी देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी स्टोरी भी छोटी सी डेफिनेशन है इसके एनवायरनमेंट की कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ द वाटर वी ड्रिंक द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. एक तरीके से एयर वाटर फूड लैंड ये सारा कुछ एनवायरनमेंट ही हमें दे रहा है. तो अब इसको अच्छे से समझ आ गया रवि को कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है. अब मैम ने बोला है कि तुम कुछ ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो जो कि नेचुरल होते हैं और जो मैनमेड होते हैं, और तुम अच्छे से पता कर सकते हो कि एनवायरनमेंट में मैनमेड का कौन सा है और नेचुरल का कौन, नेचुरल जो चीज़ें हैं वो कौन सी है. नेचुरल चीज़ें वो होती है जैसे कि माउंटेन हो गया और रिवर होगी, ये सारी जो नेचुरली बन रही है जिसको जिसमें ह्यूमन बींग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो सारा क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल हो जाएगा. और जहाँ पर भी ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट आ गया, मतलब ह्यूमन बींग खुद से बना रहा है जैसे कि टेबल होगी चेयर होगी, ये ह्यूमन बींग ने बनाई है, तो ये सारा क्या हो जाएगा मैन मेड हो जाएगा. तो अभी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है कि कौन सी चीज़ें ह्यूमन मेड है, कौन सी नेचुरल हैं, और एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है. तो इसके सारे फ्रेंड्स हैं ये रवि परमजीत जैसी मुस्तफ़ा आशा वर ऑल एग्जाइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. अभी ये लिस्ट बना रहे हैं किस चीज़ की कि क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में है, क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में नेचुरली मिल रही है और क्या क्या चीज़ें हमें ह्यूमन मेड मिल रही हैं. अब नेक्स्ट, अब देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया हुआ है कि कितने कॉम्पोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के. जैसे नेचुरल में अगर हम देखते हैं तो नेचुरल में है हमारा एयर जो हमें नेचुरली मिल रहा है जो गॉड गिफ्टेड है, वाटर लैंड लिविंग थिंग्स ये मैन नहीं बना रहा है, ठीक है खुद से बना हुआ है, भगवान ने हमें ये गॉड गिफ्ट किया है एक तरीके से. अब देखिए नेक्स्ट ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड जो हम लोग बनाते हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गया, मॉन्यूमेंट इंडस्ट्री, ये सारे कौन बना रहे हैं, ह्यूमन बना रहे हैं. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ह्यूमन मेड. अब देखिए ह्यूमन ने और क्या क्या बनाया, ये इंडिविजुअल पर्सन है ये, अभी पूरी फैमिली बन गई और बहुत सारी फैमिलीज को मिलाकर क्या बनेगा कम्युनिटी. ऐसे इसी तरीके से रिलीजन भी ह्यूमन ने बनाया, एजुकेशन भी ह्यूमन ने बनाई है, इकोनॉमिक भी ह्यूमन ने बनाई है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी ह्यूमन ने बनाई है. तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के. अब देखिए नेक्स्ट एनवायरनमेंट क्या है, हमें पता चल गया है एनवायरनमेंट अच्छे से कि कोई भी जो प्लेस है, पीपल है, थिंग्स है, नेचर है जो हमारे सराउंडेड में है उसे हम क्या बोलेंगे एनवायरनमेंट. अब ये देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट बायोटिक होता है और एबायोटिक होता है. बायोटिक में क्या है हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एनिमल जो ब्रेथ लेते हैं, ठीक है. और एबायोटिक कौन सा, जो नॉन लिविंग है जिसमें कोई भी कोई ब्रेथ नहीं लेते, जैसे कि हो गया हमारा लैंड माउंटेन, ये सारा क्या हो गया हमारा एबायोटिक हो गया. अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट. अब नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा फर्स्ट लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर हमें पता ही है कि क्या होता है, लिथोस्फेयर जहाँ पर हम रह रहे हैं जो अर्थ वाला पार्ट है, सॉलिड क्रस्ट पार्ट है, जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, उसे क्या बोलते हैं हम लिथोस्फेयर, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे घर बने हुए हैं, तो वो एरिया वो कौन सा है हमारा लिथोस्फेयर है. नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा
हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से ही हमें पता चल रहा है कि ये वाटर की बात कर रहा है, तो जितना भी वाटर वाला एरिया है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पर देखिए ये अच्छे से बताया भी है इस डायग्राम में। हमने लिथोस्फेयर पढ़ लिया, देखो जहाँ पे बसेस चल रही है, लोग रह रहे हैं, तो ये सारा एरिया कौन सा हो गया, लिथोस्फेयर का। और हाइड्रोस्फेयर जहाँ भी वाटर वाला एरिया है वो सारा क्या हो गया हमारा, हाइड्रोस्फेयर। और एटमोसफेयर होता है हमारा जहाँ भी एयर है, ये देखो ये एटमोसफेयर है ना पूरा, जहाँ भी एयर है हमारी वो क्या है हमारा, एटमोसफेयर। और अगर मैं इन सब को मिला दूँ, कंबाइन कर दूँ, किस किस को, एटमोसफेयर को और ये हमारा हाइड्रोस्फेयर को और ये लिथोस्फेयर को, इन तीनों को मैंने मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, ये बायोस्फेयर। इसलिए उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है कि बायोस्फेयर में सब कुछ इंक्लूड होता है, तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, एयर वाटर लैंड। तो हमें देखिए इसमें एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं यहाँ पर, ये लिथोस्फेयर के एग्जाम्पल्स हमें पता चल गया कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ग्रेजिंग होती है और फॉरेस्ट होते हैं, सारा कहाँ है, लिथोस्फेयर में। और हाइड्रोस्फेयर में क्या है, सी, लेक, रिवर, ओशियंस। और एटमॉस्फेयर में क्या है हमारी, एयर है, जो भी एटमॉस्फेयर में आसपास जो एयर है हमारी वो किससे मिल रही है हमें, एटमॉस्फेयर से ही मिल रही है। और मैं अगर इन सबको कंबाइन कर दूंगी, प्लांट और एनिमल किंगडम को, जो प्लांट है, एनिमल है, लैंड है, वाटर, ये सारा कुछ अगर मैं मिक्स कर देती हूँ तो ये क्या हो जाता है मेरा, बायोस्फेयर बन जाता है। अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है अगर ये सारे फैक्टर्स जितने भी हैं, जो फिजिकल फैक्टर है, जो केमिकल फैक्टर है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। जैसे कि इस वाले में बताती हूँ, ये वाला जो डायग्राम है हमारा, अभी देखिए जो एनिमल है वो ग्रास ईट कर रहा है, अगर ग्रास ही नहीं होंगे तो एनिमल ईट ही नहीं कर पाएगा कुछ भी, तो फिर ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, इंटरेक्ट है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। जो इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इंटरेक्टेड है फिजिकल और केमिकल फैक्टर से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इकोसिस्टम। इसमें बहुत, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया गया कि एक दूसरे पर डिपेंड है, अगर वाटर नहीं होगा तो फ्लावर्स भी नहीं ग्रो पाएंगे अच्छे से, जो फ्लावर्स है ना, लोटस देखिए, देख रहे हैं आप, तो ये भी नहीं ग्रो पाएंगे अगर वाटर ही नहीं होगा, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, तो जो चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है, अभी इसमें एक स्टोरी बताई हुई है, एक ये हीरा है, ये जैसलमेर में रहता है, तो वहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होती है बिल्कुल भी, यहाँ से स्टार्ट है ये स्टोरी यहाँ से, ठीक है। तो ये ना जैसलमेर में रहता है जहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रेती रेत होती है, तो इसको पता ही नहीं होता, इसने देखी नहीं होती कि भैया कि बारिश कैसे होती है, अच्छा मौसम कैसे होता है, बस कैमल्स ही देखे होते हैं इसने वहाँ पर। अब देखिए रवि क्या बोल रहा है, अब हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। अब ये हीरा बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि कैमल्स ही है वहाँ पर, वहाँ पे स्नेक्स भी हैं, लिजार्ड्स भी हैं और भी इंसेक्ट्स हैं। तो रवि बहुत ज़्यादा एकदम बोलता है ना, एक तरीके से शॉक्ड हो गया कि अच्छा ऐसा है, तो इसका मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे कैमल्स रहेंगे, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे दूसरे एनिमल्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कैमल्स को उठा के अगर हम विंटर वाले, सर्दी वाले एरिया में, कोल्ड एरिया में अगर हम लेकर जाएँ तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं एनवायरमेंट पे। तो इस स्टोरी में बस यही बताया जा रहा है कि जो जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी ट्रीज होते हैं, वो भी वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, ठंडा है या गर्म है, कैसा है, तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट। इसमें भी बताया गया है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते थे, पीपल्स जो है, ह्यूमन्स जो है, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग एनवायरमेंट को ही चेंज कर दे रहे हैं, पीपल्स जो है वो एनवायरमेंट को ही चेंज कर दे रहे हैं, तभी तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से एयर खराब हो रही है, उससे हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है धीरे धीरे करके। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अभी के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो हमें ये चीज़ रोकनी चाहिए, इस चीज़ के लिए उनको अवेयर करना चाहिए कि आप ऐसे मत करो। क्योंकि देखो बहुत सारे इन्वेंशन आ गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो वो एक तरीके से यूज़फुल भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक न्यूरी, अब इसमें एक स्टोरी बताई है न्यूरी की, वो एक गर्ल है, कहाँ पे रहती है, वो मिज़ोरम में रहती है। तो जो रवीज़ का क्लासमेट है,
वो उससे बात करता है, तो बताती है कि देखो जो हमारा घर है ना, होम टाउन है ना, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो रवि अपसेट अपसेट हो रखा होता है। हमने स्टार्टिंग में जो स्टोरी पढ़ी थी रवि वाली, जहाँ पे वो प्लेग्राउंड की जगह बिल्डिंग्स पूरा बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप कर दिया था प्लेग्राउंड हटा के, तो ये जो नूरी है ना, ये कहती है कि तुम अपसेट मत हो, जब भी तुम्हारे वेकेशंस हो तो तुम मेरे होम स्टेट पे आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ग्रासेस, बटरफ्लाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम ऐसे परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो फिर मैम ने बोला कि ठीक है, तुम लोग अगर जहाँ भी विजिट करोगे इस वेकेशन पे, तो उसके बारे में तुम लिखना और एक स्केच ड्रॉ कर कर लाना, ड्राइंग करके लाना, जो भी तुम देखोगे वहाँ पे कैसा एनवायरमेंट है, कैसा क्या है, तो उसका तुम पूरा स्केच ड्रॉ कर कर लाना। तो इस स्टोरी में पूरा यही बताया हुआ है। तो हमें जो है एक तरीके से एनवायरमेंट को सेव करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट हमारे लिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और आपको आंसर का मैं हिंट देती हूँ वो कहाँ पे मिलेगा। ये जो साइड से रेड रेड वाला दिख रहा है, ये वाला येलो और ये ब्लू में कुछ है, देखो ब्लू में लिखा हुआ है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया है, अब आप मेरे को इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।